लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखते आपका रूप रंग बदलने लगा और आप एक भयंकर शैतान बन गए। हाँ, और आपको देखकर मैं जोर से चिल्लाई और इतने में मेरी आंख खुल गई। ये सपना, कहीं सूर्यांशी लोग अपनी शक्ति से इसे ये सपना दिखाकर मेरी असलियत तो नहीं बताना चाहते? मेजर साहब, मैंने ऐसा भयंकर सपना क्यों देखा? अरे कौशल्या जी, सपना तो आखिर सपना होता है। आप किसी तरह की चिंता या वहम अपने दिमाग में मत ले आइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और ये हमारे आने वाले मेहमान के लिए ठीक नहीं है। और फिर हमें काफी लंबा सफर तय करना है। अब और कितनी दूर है हिंदू शिखर? अभी दूर है, कुछ दिन लग सकते हैं। हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए मेजर साहब, क्योंकि वहाँ पहुँच कर ही हम खतरे से दूर हो सकते हैं। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये सपना संकेत है किसी आने वाले खतरे का। खतरा खतरा तो रंजीत सिंह के रूप में तुम्हारे साथ है कौशल्या देवी। जिस अंधेरे से तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, आज वही अंधेरा तुम्हारे साथ है। और अब उसी अंधेरे की पनाह में तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा और अंधेरे के हाथों खात्मा। मगर उससे पहले मेरे गुलाम दुर्दंतों के हाथों खात्मा होगा तेरा पति रंजीत सिंह का। खात्मा रंजीत सिंह का।
तो तू ही है वो अजनबी फौजी जिसके हाथों दुर्दांतो के गुलाम की हार हुई। बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी खुशी हुई दुर्दांतो को तुमसे मिलकर, क्योंकि पहली बार दुर्दांतो का गुलाम बनने को एक जाबाज योद्धा आया है। फौजी सिर्फ अपने फर्ज का गुलाम होता है दुर्दांतो, और हम आज यहाँ पर अपना सिर्फ वही फर्ज पूरा करने आए हैं। हम ये जानने आए हैं कि कबीले के लोग यहाँ पर आकर गायब क्यों हो जाते हैं, वापस क्यों नहीं आते। उन्हें मार के दुर्दांतो उनके आत्मा को अपना गुलाम बनाता है, और यही गुलाम आत्मा है दुर्दांतो की ताकत है। ताकत है, जो आत्मा कमजोर होती है दुर्दांतो से अपने शरीर की ताकत में शामिल करता है, शामिल करता है। और तुम्हारे जैसे जाबाजों की आत्मा को दुर्दांतो अपना गुलाम योद्धा बनाता है, और आज आज तुम्हें मारकर दुर्दांतो तुम्हें अपना गुलाम योद्धा बनाएगा। दराटो, हमला। इस जानवर से हम नहीं जीत पाएंगे, हमें किसी तरह से दिव्य तलवार को उठाना होगा। अपने गुलाम के हाथों हमें मरवा कर हमारी आत्मा को भी गुलाम बनाना चाहते थे दुर्दांतो। हमने तुम्हारे गुलाम को ही तुम्हारी गुलामी से आजाद कर दिया, अब तुम्हारी बारी है हमारे हाथों मरने की। आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तुम्हारा यह आतंक। एक निहत्थे को तलवार से मारना बहुत आसान बात है, अगर हिम्मत है तो इस तलवार को हटाकर देखो, हम में से जिंदा कौन बचता है। हिम्मत, हिम्मत, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। हमें मंजूर है।
हमें मुक्ति मिल गई। सिर्फ दुर्दांतों के शरीर में कैद भीलों की आत्माओं को ही नहीं, कबीले वालों को भी मुक्ति मिल गई है दुर्दांतों के आतंक से। रंजीत सिंह नाई, सूर्यांशियों की दी हुई तलवार ने तुझे बहुत शक्तिशाली बना दिया है। बहुत बढ़ गए हैं तेरे हौसले, लेकिन मूर्ख तू अंधेरे की ताकत को नहीं जानता है तू अंधेरे की ताकत को। अरे कोई है तो कहा बहिम, जाओ जाकर मेरे जाबाज योद्धा शल्या से कहो कि अंधेरे ने उसे याद किया है। जो हुक्म महामहिम, हम अभी जाकर उन्हें आपका हुक्म सुनाते हैं। और उससे कहना कि अंधेरा उससे अभी और इसी वक्त मिलना चाहता है। जो महामहिम, अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहेगा। देख, मैं तुझे वो सब सिखा चुकी हूँ जो मुझे आता है। बस अब जल्दी ही तुझे धर्मराज किलवेश के दरबार में पेश होना है। सच दीदी, तुम सच कह रही हो ना? हाँ, अब वक्त आ गया है जब तुझे भी हम सब के साथ मिलकर अंधेरे की लड़ाई लड़ना शुरू कर देना चाहिए। इस बात को कभी मत भूलना, हम अंधेरे के पुजारी हैं। हमारा मकसद है इस दुनिया में अंधेरा फैलाना, अंधेरे के साम्राज्य को कायम करना। अंधेरे को तुझसे बहुत उम्मीद है शलाका। तुम अपनी बहन पर विश्वास रखो दीदी, तुम मुझे कभी पीछे नहीं पाओगी। अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहेगा। मां महिम, तमराज किलविश ने तुम्हें बुलाया है। अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहेगा। अंधेरा कायम रहे महामहिम। अंधेरा कायम रहे हमेशा। आपने मुझे बुलाया था महामहिम? हाँ शल्या, अंधेरे की जंग के लिए तुम्हारी जरूरत है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि अंधेरे ने आज एक बार फिर मुझे अंधेरे की जंग के काबिल समझा है। इसकी वजह अब तक तुम्हारी सभी जंगों में कामयाबी है।
और अब भी हमें कामयाबी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए शल्या। कामयाबी जरूर मिलेगी महामहिम, और अगर कामयाबी ना मिली तो ना कामयाबी की खबर सुनाने के लिए यहाँ शाल्या नहीं, शाल्या की लाश आएगी। आप बस हुक्म कीजिए, जंग किससे करनी है? हे अदना सा इंसान, रंजीत सिंह नाम है उसका। एक अदने से इंसान के साथ अंधेरे की जंग? हाँ, उस अदने से इंसान के हाथों में रोशनी की तलवार है, सूर्यांशियों ने उसके हाथों में दिव्य तलवार देकर उसका हौसला बढ़ा दिया है, और आज वो अंधेरे को नुकसान पहुंचा रहा है। मगर महामहिम, वो अंधेरे को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है? वो अपनी बीबी तक पहुंचना चाहता है जो अंधेरे की गिरफ्त में है। उसकी बीवी अंधेरे की गिरफ्त में है? हाँ, क्योंकि उससे होने वाले बच्चे की अंधेरे को जरूरत है। रंजीत सिंह का होने वाला बच्चा रोशनी की वो किरण है जिसे मिटाकर हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा फैल जाएगा, और जिसे खत्म करके अंधेरा अमर हो जाएगा। मगर बच्चे से पहले यदि रंजीत सिंह अपनी बीबी तक पहुंच गया तो वो बच्चा हमारे हाथ से निकल जाएगा, और अंधेरे का सपना हकीकत में बदलने से पहले चकनाचूर हो जाएगा। अंधेरे का सपना हकीकत में जरूर बदलेगा महामहिम। शाल्या अंधेरे के सपने को हकीकत में बदलेगी, और अंधेरे को नुकसान पहुंचाने वाला रंजीत सिंह अब जिंदा नहीं रहेगा। जब तक रंजीत सिंह के हाथों में तलवार है, तुम उसे नहीं मार पाओगी। तलवार शक्ति है उसकी, सबसे पहले तुम्हें उसकी शक्ति को उससे दूर करना होगा। शाल्या समझ चुकी है महामहिम, जिससे रंजीत सिंह की तलवार ही नहीं बल्कि उसके प्राण भी उससे दूर चले जाएंगे। आप सिर्फ हुक्म कीजिए। जाओ शाल्या, जाओ, अंधेरे को तुम्हारी जीत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अंधेरा कायम रहे महामहिम। अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। रंजीत सिंह। कुछ दिन के बाद आप माँ बनने वाली हैं। आप भी तो पिता बनोगे। लेकिन बच्चे के जन्म से पहले सावधानी बरतने की जरूरत बच्चे की माँ को होती है, बच्चे के पिता को नहीं। शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान।